अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, बाबर आजम और मोहम्मद आमिर के बारे में एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, इससे पहले आपने अगर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में जो मोहम्मद आमिर के बारे में कहा गया था कि उसने बाबर आजम के बारे में कुछ गलत अल्फाज कहे हैं कि यानी कि वो टैलेंट हैं और वो अच्छे दर्जे का खिलाड़ी नहीं है, तो मोहम्मद आमिर ने कल इसकी वजाहत करते हुए कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि बाबर आजम एक टैलेंटर है, एक औसत दर्जे का खिलाड़ी है, मैंने ये कभी नहीं कहा। जो खिलाड़ी जो मतलब कि ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कहा है तो मेरे एक भी इंटरव्यू दिखा दें तो मैं अपनी हार मान जाऊंगा। अपने यूट्यूब चैनल पर मोहम्मद आमिर ने मजीद मतलब के बयान किया कि मोहम्मद आमिर ने कहा कि बाबर आजम पाकिस्तान का एक अच्छा खिलाड़ी है, टेक्निकल खिलाड़ी है, मैं कभी भी उसके बारे में मैंने बयान गलत नहीं दिया। तो दोस्तों, ये आपके साथ देखिए मैंने कैसी ही ब्रेकिंग न्यूज़ वाली वीडियो शेयर की है। दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने वजाहत करते हुए कहा कि बाबर आजम पाकिस्तान का सरमाया है, एक अच्छा खिलाड़ी है, अगर बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट में ना आते तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मतलब कि हाल पता नहीं क्या होता। दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने इस बयान को रिकॉर्ड करवाया कि बाबर आजम एक अच्छे खिलाड़ी हैं, एक बेहतरीन पाकिस्तान को खिलाड़ी और कप्तान मिला है। तो दोस्तों, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।